टुडे वी टॉकिंग अबाउट ओ ए ओस्टियो आर्थराइटिस। तो देखो ओ ए और एक होता है आर ए रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो सबसे पहले अपन ओ ए और आर ए में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे कि कोई भी पेशेंट आ गया तो कैसे पता करेंगे कि उसमें ओ ए है या फिर आर ए की डिजीज है। ठीक है, तो दोनों में ही है ना जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, दोनों में ही जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले ओ ए यह मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वेट बियरिंग जॉइंट में, जैसे नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, जबकि आर ए रूमेटोइड आर्थराइटिस देखने को मिलता है स्मॉल जॉइंट में, जैसे मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट हो गया, प्रोक्सिमल इंटर फेलेंजियल जॉइंट हो गया, मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट हो गया। ठीक है, यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ओए में क्या होता है कि जॉइंट के बीच की जो कार्टिलेज होती है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसका डीजनरेशन होने लगता है, जिसके कारण जॉइंट के बीच का स्पेस कम हो जाता है। जबकि आर ए क्या होता है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और यह मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है स्मॉल जॉइंट में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ओ ए है ना वो एसिमेट्रिकल होता है, जैसे अगर नी जॉइंट में हो रहा है ना तो एक ही नी जॉइंट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जबकि आर ए क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड के जॉइंट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर ओ ए है ना यह ओल्ड एज में देखने को मिलता है आफ्टर 50 ईयर, जबकि आर ए अर्ली एज में देखने को मिलता है। और ओ ए में है ना मॉर्निंग स्टिफनेस कम टाइम तक रहती है, जबकि आर ए में मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा टाइम तक रहती है। फिर ओ ए इसमें एक या एक से अधिक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एक ही जॉइंट में देखने को मिलेगा, जबकि आर ए में मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगर ओ ए में जो अफेक्टेड जॉइंट है ना उसका अपन एक्सरे करवाएंगे ना तो जॉइंट के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओए में जॉइंट के बीच की कार्टिलेज का डीजनरेशन होने लगता है, इसीलिए स्पेस कम हो जाता है। जबकि आर ए में एक तो अपन देखते हैं रूमेटोइड फैक्टर आर एफ और एक एंटी सीसीपी एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलती है, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलती है आर ए में। तो यह इन दोनों में हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर बात करते हैं सबसे पहले ओए की डेफिनेशन की, तो यह मैंने बता दी, इसमें जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और वो भी मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सी है, वेट बियरिंग जॉइंट, जैसे नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। और जॉइंट के बीच की जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना उसका डीजनरेशन होने लगता है, जिसके कारण जॉइंट के बीच का स्पेस कम हो जाता है। और जब अपन जॉइंट का एक्सरे करवाएंगे ना तो अपन को एक्सरे में स्पेस कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो देखो इसमें जो कार्टिलेज है ना उसका डीजनरेशन हो रहा है, तो कार्टिलेज में है ना दो टाइप के एंजाइम देखने को मिलते हैं अपन को, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम और कंस्ट्रक्टिव एंजाइम, ये दो टाइप के एंजाइम देखने को मिलते हैं कार्टिलेज में। अब अगर इसका लेवल बढ़ गया, अगर ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम का लेवल बढ़ गया ना तो जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल होती है ना उसकी डेथ होने लगती है, और उसकी डेथ होने से आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन होने लगता है। तो इसका कोज आर्टिकुलर कार्टिलेज डी जनरेशन होने लगती है। इसका मेन कॉज क्या होता है, कार्टिलेज में जो इंजाइम होता है ना डिस्ट्रक्टिव इंजाइम उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण कॉन्ड्रोसाइट सेल की डेथ होने लगती है और इसके कारण अपन को ऑस्टियो आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, यह हो गया थर्ड पॉइंट अपना। फिर क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो है ना इसमें क्या होता है, जॉइंट के बीच का स्पेस कम हो जाता है, तो जब जॉइंट मूवमेंट करेगा ना तो पेशेंट को क्या जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, क्रैकिंग साउंड देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यह एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, एक ही जॉइंट अफेक्ट होता है इसमें। फिर बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, तो ओल्ड एज हो सकता है ना, ओल्ड एज इसमें ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट इंजरी हो जाए या जेनेटिक हो कोई, या ओबेसिटी। और अगर सेक्स की बात करूं तो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है कंपेरिजन मेल, और कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो गई है ना, तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर। फिर बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने बता दिया जो अफेक्टेड जॉइंट है ना उसका उसका क्या अपन एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे तो जॉइंट के बीच का स्पेस कम देखने को मिलेगा है ना, जबकि रूमेटोइड आर्थराइटिस आर ए में ऐसा कुछ नहीं होता, आर ए में एंटी सी सी पी एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलती है अपन को। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट, इसके ट्रीटमेंट
की, तो देखो यह ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो एक तो है ना पेशेंट को अपन एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे है ना, और दूसरा अपन इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे अगर पेन हो रहा है या स्टिफनेस है या स्वेलिंग है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर सर्जरी की बात करूं मैं तो सर्जरी में जॉइंट रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो ये अपन ये बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, थैंक यू।